और महान बनते हुए चली जाती है सीरत और गैरी से अकेले मिलने। तभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं अंगद और उससे खूब फटकार लगाते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, अपनी मन मर्जी से क्यों यहाँ पर आई। और वहीं वीर को भी डांट लग जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं साहिबा बहुत खुश है कि चाहे उसका रिश्ता किसी भी नोट पर शुरू हुआ अंगद से, चाहे वो दोनों एक दूसरे से आज तक नाराज हो पुरानी हुई बातों की वजह से, लेकिन स्टिल वो एक दूसरे की केयर करते हैं और धीरे धीरे नेचुरली बहुत स्ट्रांग हो रही है। उनको देखकर बाकी सबको भी ऐसे लगता है कि उनकी केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी है और आगे चलकर वो ज़रूर एक दूसरे को अच्छे से एक्सेप्ट भी कर लेंगे। पर वहीं पर सीरत इस बात से अनजान है कि गैरी उनके पीछे से क्या क्या कर रही हैं, क्या क्या खिचड़ी पका रही हैं। उनको अभी भी फुल विश्वास है कि कभी भी चाहे कोई भी गलत हो, उनकी पेरेंट्स गलत हो सकते हैं, उनके सिबलिंग्स, लेकिन गैरी कभी गलत नहीं हो सकता। तो आखिर गैरी और जसलीन की सच्चाई जब सीरत के सामने आ जाएगी, तब वो क्या सच सच बात अंगद को बता दें? क्योंकि आज तो वो इस बात के लिए रेडी ही नहीं है कि वो साहिबा की बात मानकर अंगद के पास चली जाए।